सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज निक्शन और आप देख रहे हैं निक्शन्स ब्लॉग। और आज 2 दिसंबर है और यहाँ पर रखा था बाइक पार्क करके। सो अभी थोड़ी देर बाद मैं निकलने वाला हूँ मेरा बिस्ट को वॉश करने, क्योंकि बहुत डर्टी हुआ है भाई, बहुत डर्टी। एक बार आप लोगों को दिखाई देता हूँ कितना डर्टी हुआ है। ये देखो मड गार्ड, और ये चेन देख सकते हो, और व्हील देखो भाई ब्लैक से किया हो गया पूरा। सो थोड़ी देर बाद मैं निकलने वाला हूँ इसको वॉश करने, और थोड़ा बहुत उमरांगशू का जो मार्केट एरिया है वो घूमूंगा। और आज रात को तो आने वाले हैं अंकित तिवारी सर, तो उनका गाना भी सुनना है, तो इसी कारण मैं आया हूँ फाल्कन फेस्टिवल पर। और बने रहिए गाइस, वॉच टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली गाइस अभी निकल गया हूँ मैं मेरा बीस्ट लेके, और उसको वॉश करवाना है। तो शैम्पू से वॉश नहीं करवाऊँगा, सिर्फ कहूँगा कि पानी मार के दे दे, क्योंकि कल फिर से घर के लिए रिटर्न होना पड़ेगा। और जाने का टाइम मैंने जल्दी को बोला है कि मेघालय होके जाएंगे, क्योंकि हाफलोंग का रोड भाई इतना खतरनाक रोड भाई साहब, अब बाइक का हालत देख के ही अब समझ रहे होंगे कि बहुत ही खतरनाक है भाई। काश मैं उसका मोटर ब्लॉक करके आ पाता था भाई, इतना ऑफ रोडिंग है भाई, यही बता। तो गाइस पोस्ट तो गया हूँ वॉशिंग सेंटर पर, और यहाँ क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ शैम्पू से वॉश करूँ या सिर्फ पानी से। आप देख पा रहे होंगे कि इतना खराब कंडीशन है, मतलब इतना ज़्यादा डर्टी होके रखा है भाई साहब। सो वॉश करवा के थोड़ा बहुत रंगसू मार्केट घूमेंगे, और इसके बाद कुछ खा के और गोल्फ फील्ड के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड पे है सुमंदा का शॉप, और ये शॉप ओपन हो गया। शैम्पू दीजिए ना खाली जल्दी, शैम्पू तारा की तो दो हमार बल। गाइस ये है उमरांगशू का मार्केट एरिया, और मार्केट एरिया बहुत ही बड़ा है, देख सकते हो गाइस, बहुत बड़ा एरिया है भाई। तो इस तरफ है सिर्फ कपड़े का शॉप, आप ये लोग देख ही पा रहे होंगे, सिर्फ कपड़े का शॉप ही है इस तरफ, और सामने कुछ कॉस्मेटिक वगैरह है। और ये दीप लोगों का है, और देख रहे हो गाइस, तो ये है प्रॉपर मार्केट एरिया। और यहाँ पर मैंने अभी 20 रखा है थोड़ा देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए रखा है, फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। और इस तरफ है सब्जी एरिया, सब्जी मार्केट। और गाइस अमेजिंग ना, तो गाइस मॉर्निंग बिस्ट का वॉश भी हो गया और हम लोग का नाश्ता भी कंप्लीट। सो अभी मोटर ब्लॉक करते करते जाऊंगा पूरा गोल्फ फील्ड तक, वहां जाके कुछ सिनेमैटिक लूंगा बिस्ट का फील्ड का, और बने रहिए गाइस, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स गोल्फ फील्ड ऑफ उमरांगशू, राइट। तो यहाँ से अभी हम लोग लेने वाले हैं राइड, लेकिन थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अर्पिता और उसका भाई थोड़ा पीछे रह गया है, तो यहाँ पर थोड़ा उन लोग का वेट करते हैं, ठीक है। तो गुरु भी अगर दिक्कत हो गए तो अभी हम लोग भी निकलते हैं, ठीक है। अभी तो रोड पूरा कीचड़ होकर रखा है भाई, मॉर्निंग मॉर्निंग पानी मार दिया क्या यहाँ पर। रिएक्शन धीरे धीरे बनाए रखना पड़ेगा भाई, गिरने का चांस है अरे। कल रात को तो नहीं ठहरे,
अभी मॉर्निंग का टाइम है, गेट ये खुला हुआ है, वरना यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। गेट खुला हुआ है, सीधा जा रहा हूँ। देख रहे हो गाइस, सो गोल फील्ड के ऊपर रख दिया बीस्ट और ये दीप का बाइक। और अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर हो रहा है एक मज़ेदार का चीज़, मज़ेदार सा चीज़। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे गाइस, ये देखो
Completely rock the stage.